Hello guys, one topic in Forex which has been under a lot of discussion from the student point of view is cancellation, extension and early delivery of a forward contract. Agar ye topic aap padh rahe ho, to main assume karti hu ki aapka Forex ka knowledge relatively ek acche level pe hai. Because we would assume some already existing understanding about the subject and then only you can understand these concepts and these sums actually. Theek hai? तो फॉरवर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट बुक होता है, अगर सपोज करो आप कि 1 जनवरी को आपने $1,00,000 के लिए फॉरवर्ड बाय किया, ओके, बैंक से, ओके, 31 मार्च की आपकी मैच्योरिटी है. अब इसमें कई सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं. अगर मैं थ्योरेटिकली बोलूं कम से कम तो 9 सिचुएशंस क्रिएट होती है कि एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किस फेट से मीट करेगा, ओके, मतलब उसका उसके क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं, यू नो, काइंड ऑफ, फॉर एग्जांपल, बंदा आएगा, बंदा नहीं आएगा, आएगा तो डेट वाले दिन आएगा या पहले आएगा या बाद में आएगा, ऑनर करेगा कॉन्ट्रैक्ट कि कैंसिल करेगा, अगर कैंसिल करेगा तो फाइनली कैंसिल करेगा कि एक्सटेंड करेगा. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन आइडिया कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं. अपन इस तरह से रैंडम बात नहीं कर सकते, इट शुड बी प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड एक्चुअली, ओके. सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट दैट व्हाट फेट अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैन मीट इन फ्यूचर, ओके. लेट मी राइट नाउ. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट can meet either of the fate in future. Okay, first one, very very natural, is number one, cancellation. Okay, अब cancellation में भी कई सिचुएशन होंगे कि बंदा कब आता है कैंसिल करने के लिए. तो ब्रॉडली अपन बात कर सकते हैं कि 3 सिचुएशंस कैन अराइज. नंबर 1, बंदा ड्यू डेट के पहले आता है, कोई वजह रही होगी, कंसाइनमेंट डिफेक्टिव आया, समथिंग, ओके. सो अगर उसको माल वापस करना है तो वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का क्या करेगा, राइट? सो नेचुरली ही हैज टू कैंसिल दैट, ही कांट कीप दैट ओपन. तो अगर 1 जनवरी को 31 मार्च के लिए आपने फॉरवर्ड बुक किया है तो आप 31 मार्च के पहले अगर आते हो तो वो बोला जाएगा कैंसलेशन बिफोर ड्यू डेट, बिफोर ड्यू डेट. नाउ अगर वो 31 मार्च को आकर के कैंसिल करता है, दैट विल बी कॉल्ड कैंसलेशन ऑन ड्यू डेट. एंड अगर बंदा बाद में आता है तो बाद में, कितना बाद में, वो एक अलग पॉइंट बनेगा आपका. तो अगर 31 मार्च को उसकी ड्यू डेट थी तो अगर वो 15th of April तक आता है तो उसकी कैलकुलेशन अलग तरह से करी जाएगी, और अगर वो 15th April के बाद आता है तो उसकी कैलकुलेशन अलग करी जाएगी, ओके. सो एज ऑफ टुडे आई एम ट्राइंग टू डिस्कस कि अगर वो बंदा अपनी मैच्योरिटी डेट से 15 दिन तक के बीच में अगर आ जाता है तो क्या होगा, बैंक उसको कैसे ट्रीट करेगी, बैंक उसे क्या चार्जेस उस पर यू नो काइंड ऑफ उसे मांगेगी एंड ऑल दैट, ओके. सो यहां पे आ रहा है आफ्टर ड्यू डेट, ओके. सो दीज आर द 3 सिचुएशंस इन कैंसलेशन ओनली. देन उसके बाद नंबर 2, एक्सटेंशन. मतलब क्या हुआ कि आपको क्लाइंट की तरफ से इन्फॉर्मेशन आई है कि आपका कंसाइनमेंट नहीं टाइम पे पहुंच पाएगा, वो डिले हो जाएगा. तो ऑब्वियस ही बात है, इफ योर कंसाइनमेंट इज बीइंग डिलेड देन नेचुरली यू विल नॉट मेक द पेमेंट ऑन द ड्यू डेट, ओके. सो यू वुड नीड टू एक्सटेंड द मैच्योरिटी ऑफ योर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. बट फॉर दैट क्या प्रोसेस होगा एंड व्हाट विल बी द स्टेप्स दैट विल बी टेकन केयर ऑफ, दैट वी नीड टू स्टडी, ओके. देन अगेन बिफोर ड्यू डेट, then on due date, and then again after due date, okay. Then the third one and the most obvious one is
डिलीवरी, डिलीवरी. सो डिलीवरी अगेन बिफोर ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट. ओके, एंड आफ्टर ड्यू डेट. अगर आप मुझसे समराइज कराओगे ना सारा, तो मैं आपको क्या बोलने वाली हूं कि सबसे ओबियस वाला जो स्टेप है, सबसे बाय डिफॉल्ट अंडरस्टैंडिंग इज दिस वन, डिलीवरी, डिलीवरी एंड दैट टू ऑन ड्यू डेट. ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. आपने बात करी थी 1 जनवरी को, 31 मार्च को आप गए, आपने रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रुपीज़ की पेमेंट करी और आप अपना डॉलर्स लेके आ गए. तो ये तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं एक्चुअली. डिलीवरी ऑन ड्यू डेट, द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन ऑनर्ड प्रॉपरली. द प्रॉब्लम कुड बी द अदर 8 months एक्चुअली. ओके, सो अगर आप ऑलरेडी फॉरेक्स पढ़ चुके हैं बिकॉज आपका सामने एग्जाम आ रहा है, तो मुझे लगता है कि दिस यू वुड हैव ऑलरेडी स्टडीड एंड दिस इज ईजी. देन दिस यू वुड हैव ऑलरेडी स्टडीड, दिस इज ऑल्सो वेरी ईजी. द प्रॉब्लम इज दिस वन, द प्रॉब्लम इज दिस वन. अगेन दिस इज ईजी टू मैनेज, दिस इज ईजी टू मैनेज एंड दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम. देन हियर दिस इज अ प्रॉब्लम एंड दिस इज अ प्रॉब्लम. ओके, सो टूडे टूडे आई एम गोइंग टू टीच यू, और आई एम गोइंग टू टेक अप वन क्वेश्चन वेयर आई विल फर्स्ट डील विथ दिस दिस एंड दिस, एंड देन इन द काइंड ऑफ इन वन मोर वीडियो आई विल ट्राई टू डील विथ दिस ऑल्सो. ओके, सो एज ऑफ नाउ गाइज आई एम गोइंग टू डील विथ कैंसलेशन आफ्टर ड्यू डेट, देन एक्सटेंशन आफ्टर ड्यू डेट एंड देन डिलीवरी आफ्टर ड्यू डेट. ये एक क्वेश्चन से मैं कवर कर दूंगी आपके, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आपके आया हुआ है. तो ओके, उसके बाद अर्ली डिलीवरी का अलग से क्वेश्चन हमें डिस्कस करना पड़ेगा इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके फाइन, आर यू रेडी गाइज ऑल ऑफ यू? ओके, आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव सम बेसिक नॉलेज ऑफ कैंसलेशन एक्सटेंशन. दीज आर मोर टफर पार्ट एक्चुअली, एंड दैट इज वाई वी आर डिस्कसिंग दिस वन. लेट्स टेक वन क्वेश्चन. एक चीज आपको नहीं भूलनी है कि जबी भी कोई क्लाइंट ओके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के कुछ भी एक्टिविटी करता है, चाहे वो कैंसिल करता है, चाहे वो पहले करे या ड्यू डेट को करे या बाद में करे, सिमिलरली एक्सटेंशन वो बिफोर ड्यू डेट करे, ऑन ड्यू डेट करे या बाद में करे, और डिलीवरी भी या तो पहले मांगने को आ जाए या पहले देने को आ जाए, वॉट एवर बिफोर एंड या फिर बाद में आए, ये किसी भी सिचुएशन में आपको अगर आप मुझसे पूछोगे ना, तो वॉट एवर अंडरस्टैंडिंग आई हैव डेवलप्ड इन द होल ऑल द सिचुएशन इज दैट कि इवेंचुअली मैंने ये ऑब्जर्व किया, मैं शायद इतना डिटेलिंग में नहीं डिटेल नहीं कर पाऊंगी इतना डिटेलिंग नहीं कर पाऊंगी आपके सामने में, बट ऑन द बेसिस ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग वॉट आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू इज दैट कि बैंक कस्टमर से जो भी प्रॉफिट ब्लॉक किया था फर्स्ट डे पे, ऑब्वियसली अगर मान लीजिए कि आपने आपने बैंक से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया टू बाय डॉलर्स 1 लाख डॉलर्स एट 70 रुपया, ओके, तो बैंक आपको देगी 70 रुपीज पर डॉलर पे, तो ऑब्वियसली बैंक भी किसी से खरीदेगी और फिर आपको देने वाली है, राइट? तो नेचुरल सी बात है कि बैंक जो भी रेट फिक्स करेगी तो वो 70 से कम होगी. अगर वो 69 है तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक ने रुपी वन पर डॉलर का प्रॉफिट बुक किया है आपके ट्रांजैक्शन पे. और अगर ये 1 लाख डॉलर के ऊपर में पूरी स्टोरी चल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि बैंक ने अपने हिस्से में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक किया है. तो आप ये बस समझ लो कि वॉट एवर स्टेप्स यू विल डू हियर इज टूवर्ड्स गेटिंग दैट 1 लाख रुपीज ओनली. तो बिकॉज ऑफ योर काइंड ऑफ प्री मेच्योर एक्टिविटी और पोस्ट मेच्योरिटी एक्टिविटी, बैंक की पूरी जो कैलकुलेशन है खुद की प्रॉफिट की, वो ऊपर नीचे हो जाती है. एंड बैंक को कुछ ऑफसेटिंग पोजिशंस क्रिएट करनी पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल आपको बताती हूँ कि आपने बैंक को बोला कि मैं 3 महीने के बाद आऊंगा और आपसे मैं 1 लाख डॉलर खरीद के जाऊंगा, बैंक ने आपको 70 की रेट बोल दी और बैंक ने दूसरी बैंक से 69 में बात कर ली. तो अब आप ये सोचो कि बैंक ने भी फॉरवर्ड बुक कर रखा है किसी और के साथ में. अब आप बोल रहे हो 28 फरवरी को आकर के बोल रहे हो या 28 फरवरी को आप आके बोल रहे हो कि मेरे को तो आज ही 1 लाख डॉलर चाहिए. तो आप खुद ही सोचो कि बैंक ने तो 3 महीने के एंड पे किसी से खरीद रखा है, तो आपको वो देंगे कहां से?
तो ऑब्वियसली आपके जो ट्रांजैक्शन को ऑनर करने के लिए बैंक को कुछ पोजीशंस बनाने पड़ेंगे. फॉर एग्जांपल आप अगर अभी मांग रहे हो तो बैंक को अब भी खरीद के देना पड़ेगा, लेकिन उस केस में आप ये नहीं सोच पा रहे हो कि बैंक ने जो पहले से फॉरवर्ड ब्लॉक कर रखा था किसी दूसरे बैंक के पास में, उसका क्या होगा. ओके, तो ये सारी सिचुएशंस बैंक के सामने खड़ी हो जाती है. तो जितने भी आप कैलकुलेशन करते हो, जितने भी आप आंसर निकालते हो, इट इज टूवर्ड्स ओनली गेटिंग दैट प्रायर कैलकुलेटेड 1 lakh rupees. बिलीव मी, ओके, दैट 1 lakh rupees के अंदर में ही सारी कैलकुलेशन चल रही है. सो बैंक क्रिएट सम ऑफसेटिंग पोजिशंस. और मैं बता दूं आपको, बैंक वो 1 lakh rupees ही कमाती है, तो बैंक को वो कमाने के लिए जो भी आपसे वसूलना पड़ेगा वो बैंक आपसे लेगी. बैंक आपको दे भी सकती है पैसा और बैंक आपसे ले भी सकती है. बट द होल पॉइंट हियर इज दैट इज टू एंश्योर दैट बैंक ने जो प्रॉफिट पहले बुक करी थी आपके बिहाफ पे, वो पैसे वो बैंक कहीं जाने नहीं देगा. उसके वजह से जो भी पोजिशंस क्रिएट करते हैं वो उनको करना पड़ता है, और प्लस आपसे जो पैसे लेने पड़ते हैं वो भी उनको लेना पड़ता है. ओके, आई हैव गिवन यू अ रफ आइडिया अबाउट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. राइट नाउ एक सम है आपके सामने में, यू विल सी दैट सम इज देयर हियर एंड देयर आस्क्ड इन द पेपर ऑल्सो. आई एम रीडिंग दैट सम फॉर यू. On 10th July, an importer entered into a forward contract with bank $50,000 due on 10th September at an exchange rate of 66.84 per dollar. The bank covered its position in the interbank market at ₹66.68. अब देखो, बैंक ने ऑलरेडी अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है. बैंक ने कितने में ब्लॉक किया है? 66.68 में. आप इंपोर्टर हो तो आपने बैंक से बाय किया और बैंक ने किसी दूसरे इंटर बैंक मार्केट में किसी से बाय किया. ठीक है, तो बैंक बाय करेगी 66.68 पे और आपको पास ऑन करेगी 66.84 पे. सो व्हाट इज द प्रॉफिट लॉक्ड इन? 66.84 माइनस 66.68, राइट, दिस पर डॉलर इंटू $50,000, आई गेट 8,000 ऑफ रुपीज. यानी आपसे ट्रांजेक्शन करने में 3 महीने में बैंक को 8,000 रुपए की प्रॉफिट हो रही है. ओके, नाउ दैट इज द स्प्रेड ऑफ द बैंक. द बैंक कवर्ड इट्स पोजिशन इन द इंटर बैंक मार्केट. ये हो गया. हाउ द बैंक वुड रिएक्ट इफ द कस्टमर रिक्वेस्ट ऑन 20th September. आप देखो यहाँ पे 20th September इज 10 days डिलेड फ्रॉम द मेचोरिटी डेट. आपकी मेचोरिटी डेट इज 10th September, राइट, और बैंक आपको कैंसिल करने को बोल रहा है या कुछ भी, जो भी एक्टिविटी बोल रहा है वो 20 September को बोल रहा है. यानी कि मेचोरिटी डेट से 10 दिन आगे. मैंने इसलिए चूज किया, आपके सामने स्टार मार्क डाले ना मैंने, कैंसिलेशन आफ्टर ड्यू डेट, एक्सटेंशन आफ्टर ड्यू डेट एंड डिलीवरी आफ्टर ड्यू डेट. बट मैंने क्या बोला कि उस 15 दिन के अंदर का इस सम करवा रही हूं मैं आपको. ठीक है, दिस सम वुड सफाइस ऑल द 3 situations हियर. देन टू एक्सटेंड द कॉन्ट्रैक्ट विथ ड्यू डेट टू फॉल ऑन 10th November, द एक्सचेंज रेट फॉर डॉलर इन द इंटर बैंक मार्केट वर एज फॉलोज. दे हैव गिवन एक्सचेंज मार्जिन वॉज 0.1% ऑन बाइंग एंड सेलिंग. इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स वॉज 12% पर एनम. यू आर रिक्वायर्ड टू शो द कैलकुलेशंस टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सटेंड द कॉन्ट्रैक्ट एज अबव. नाउ लुक एट दैट आंसर, लुक एट हियर सॉल्यूशन. ओके, सो मैं क्या करने वाली हूं, लुक एट हियर नाउ. 10th July, ओके, सो हियर दिस इज वन इंटर बैंक मार्केट. ओके, देन देर इज योर बैंक एंड देन यू आर हियर कस्टमर. ठीक है, तो कस्टम बैंक को इंटर बैंक मार्केट से मिलेगा, कितने पे मिलेगा? ये मिलेगा 66.68 पे. और बैंक देने वाला है हमें कितने रेट पे? 66.84 पे, राइट ना, ऑन 10th September बेसिकली. अब यहां पे 10 सितंबर आ गया, 10th September आ चुका है. ओके, यहां पे वापस इंटर बैंक मैं लूंगी और यहां पे मैं वापस से बैंक लूंगी. लेकिन यू लेट मी टेल यू वन थिंग दैट इस क्वेश्चन के अंदर में कस्टमर 10 सितंबर को टर्न अप हुआ ही नहीं है. ओके, वो टर्न अप हो रहा है 20th September को. तो कैसे सिचुएशन चले, क्या प्रॉब्लम आएगी बैंक को, आप देखो.
अभी क्या हो गया कि बैंक ने 10 सितंबर को डिलीवरी ले ली, कितने पे? 66.68 पे, बिकॉज मैच्योरिटी आ चुकी है, उसको लगा कस्टमर आएगा. ओके, ये इसने डिलीवरी बैंक ने ले ली 66.68 पे, कस्टमर आया नहीं. ओके, तो अगर कस्टमर नहीं आया तो बैंक क्या करेगी कि इसको मार्केट में सेल करना पड़ेगा. क्या करेंगे? वी डू नॉट नो व्हेन द कस्टमर विल कम. तो बैंक सेल करेगी इंटर बैंक मार्केट में. किस रेट पे सेल? इट विल सेल एट द रेट ऑफ 66.15. यू कैन सी दैट बिड रेट का रेट है, राइट है. आप बाय बैंक सेल कर रही है, तो हियर बैंक इज बिहेविंग लाइक अ कस्टमर ओनली ना. तो बैंक विल सेल एट 66.15, राइट है. अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है दैट हमें ये नहीं पता कि कस्टमर वापस आ गया तो, और अगर कस्टमर वापस आ गया तो हम क्या करेंगे? इन ऑर्डर टू ऑनर हिज प्रोस्पेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट. ओके, अब ये जो पैसे मुझे मिल गए, ओके, $50,000 मुझे 66.68 पे मिला और मैंने 66.15 पे हमने सेल कर दिया. ओके, लेकिन बैंक को ये भी डर लग रहा है कि अगर ये कस्टमर 4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद आया तो क्या करेंगे. बैंक इस एंटिसिपेशन को हेज करने के लिए क्या करती है? फॉरवर्ड बाय कर लेती है. एक और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फॉरवर्ड बाय. ओके, सो हियर फॉरवर्ड बाय इन द सेंस इट विल बाय टिल द एंड ऑफ सितंबर ओनली, बिकॉज 15 दिन के बाद तो वैसे भी खत्म हो जाएगा ना सारा, ऑटोमेटिक कैंसिलेशन हो जाती है. अगर कस्टमर अपने ड्यू डेट से 15 दिन तक भी नहीं आता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है. ओके, सो द कैलकुलेशंस आर मोर लाइक कॉम्प्लिकेटेड इफ ही कम्स बिटवीन द ड्यू डेट एंड द 15 डेज एक्सटेंडेड. ओके, तो अगर वो 15 दिन के अंदर आया तो कहां से डिलीवरी कर पाएंगे? तो ही इट बाइज फॉरवर्ड. ओके, फॉरवर्ड हियर लुक एट दियर, सितंबर एंड का खरीदेगा वो, सितंबर एंड का खरीदेगा तो दिस रेट विल बी 66.32. सो बाय एट 66.32. आप यहां पे देखोगे ना एक चीज, आपने नोटिस नहीं किया, इस बैंक को लॉस लग चुका है. कितने का पता है आपको? बैंक ने बाय किया 66.68 पे और वो सेल कर रहा है 66.15 माइनस 66.68 द होल इनटू डॉलर 50,000. ओके, सो दिस गिव्स मी 66.15 माइनस 66.68 द होल इनटू 50,000 एंड द अमाउंट इज माइनस रुपीज 26,500. ओके, ये लॉस लग चुका है. 10 सितंबर तक बैंक के पास में कोई भी तरह का न्यूज़ नहीं है कि कस्टमर कब आएगा कब नहीं आएगा, कोई इंटीमेशन कुछ भी नहीं है. लेकिन बैंक ने अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए क्या किया है कि सितंबर एंड का एक फॉरवर्ड और बाय करके रखा है, सो दैट अगर कस्टमर आया तो इट शुड बी एबल टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट. ओके, नाउ अब ये जो ट्रांजेक्शन किया आपने सेल स्पॉट, गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, एक्चुअली यू कांट मग अप दैट व्हाट इज स्वॉप लॉस, राइट. अब ये जो कस्टमर बैंक ने ये जो ट्रांजेक्शन किया कस्टमर की नॉन ऑनरिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन 10 सितंबर की वजह से, सेल स्पॉट एंड बाय फॉरवर्ड ये अलग है, ये अलग है. ये है कि 66.68 पे मुझे खरीदना पड़ा और क्योंकि कस्टमर नहीं आया तो मुझे 66.15 पे बेचना पड़ा, तो ये बैंक को रियल लॉस 26,500 का और 26,500 का लग चुका है ऑलरेडी. लेकिन कस्टमर अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए, तो आप देखो दो ट्रांजैक्शन चल रहे हैं बेसिकली, राइट. और जो बैंक ने ये जो किया सेलिंग ए स्पॉट एट 66.15 एंड बाइंग एट 66.32, दिस इज कॉल्ड स्वॉप ट्रांजेक्शन फ्रॉम द बैंक. मैं बताऊंगी आगे आपको और ये क्या होता है. तो बेसिकली ये जो डिफरेंस है सेलिंग एट 66.15 एंड बाइंग एट 66.32, दिस इज कॉल्ड स्वॉप लॉस. विल राइट इट लेटर ऑन, डोंट वरी. नाउ हियर ऑन 20th ऑफ सितंबर बैंक सपोज 20 सितंबर को अपन खड़े हैं और कस्टमर 20 सितंबर को आकर के बोलता है अपन वन बाय वन विल हैव टू टेक कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट. ओके, सो यहां पे गाइस एक प्रॉब्लम क्या आएगी, बैंक क्या बोलेगा कि
आप आपने पहले बाय किया था किस रेट पे? 66.84 पे. द कस्टमर हैज बॉट और हैड बॉट एट 66.84. द बैंक विल आस्क हिम टू कैंसल बाय एंटरिंग इनटू अ रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट एट 65.96. दैट इज अ सेल रेट. कस्टमर ने पहले बाय किया है, ही विल एंटर इनटू अ रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट एट द रेट प्रिवेलिंग ऑन दैट पर्टिकुलर डेट, बिकॉज मेजोरिटी तो खत्म हो चुकी है. एंड ऑन दैट डेट द इंटरबैंक रेट ऑफ सेलिंग 65.96. इसमें आपका टीटी मार्जिन का एडजस्टमेंट आएगा. 65.96 माइनस 0.1%, ओके, 65.96 माइनस 0.1% 65.8940, ओके. 65.8940 माइनस 66.84, ओके, इनटू 50,000. सो बेसिकली ये कस्टमर को लॉस लग गया कैंसिल करने का 47,298. आई एम श्योर गाइज यू नो व्हाट इज अ नॉर्मल कैंसिलेशन. अगर आपने बाय किया है और अगर आपको कैंसिल करना है तो यू विल एंटर इनटू अ रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट, ओके. क्योंकि बंदा ऑलरेडी मेच्योरिटी के बाद आया है 10 दिन के, तो उस दिन के जो स्पॉट रेट होगी उस पर वो रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा. पहले किया था बाय और अब करेगा वो सेल कैंसिल करने के लिए. तो सेल करने की रेट होगी 65.96 माइनस 0.1%, ओके. एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू विल गिव हिम अ लॉस ऑफ 47,298 टू द कस्टमर. दिस अमाउंट विल बी डेबिटेड फ्रॉम हिम. ये पैसे बैंक उससे रिकवर करेगा, ओके. और बट उसके अलावा बैंक को यहां पे अगर आप देखोगे तो 26,500 का लॉस बैंक कैरी कर रही थी. कब तक? 20 सितंबर तक. जब तक वो नहीं आया तब तक ये मेरे मैं बैंक हूँ, ओके, मेरे अकाउंट में ये डेबिट बैलेंस चल रहा है, ओके. तो ये जो डेबिट बैलेंस, अब आप बोलोगे मैम बैंक ने 26,500 क्यों नहीं उससे रिकवर किया. 26,500 रिकवर नहीं करेगा ना, क्योंकि 26,000 के बदले तो 47,298 रिकवर कर रहा है. You didn't get my point what I'm saying that. I am saying that 26,500 amount bank customer से नहीं लेगा, क्योंकि bank ने जब अपना cancel किया, you know, kind of by buying at 66.68 and selling at 66.15 on the spot on 10th of September, तो bank ने कितने का नुकसान सहा? Bank ने 26,500 का नुकसान सहन किया. तो जब बैंक ने 26,500 का नुकसान सहा है बट कस्टमर से उसके बदले 47,298 रिकवर कर लिया ना, तो इट विल नॉट टेक 26,500. बट ये जो 26,500 का डेबिट बैलेंस चल रहा था बैंक के अकाउंट में बिकॉज ऑफ द कस्टमर, इसके ऊपर का ब्याज उससे जरूर वो रिकवर करेगा, ओके. सो एक वो पॉइंट हो गया, ओके. और कस्टमर से क्या लेगा? कस्टमर से वो लेगा स्वॉप लॉस. Swap loss and the swap loss would be 66.15 minus 66.32 the whole into dollar 50,000 and this is equal to 66.15 minus 66.32 into 50,000 that gives you 8,500 का लॉस. दिस विल बी डेफिनेटली बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर, ओके. सो यहां पे आप बोलोगे मैम क्या क्या हुआ? तो हियर द कस्टमर विल एंटर इनटू अ रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन 20th ऑफ सितंबर. तो बैंक कस्टमर से लेगा कैंसलेशन का लॉस जो उसने रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया कस्टमर को, वो प्लस लेगा स्वॉप लॉस और प्लस लेगा इंटरेस्ट ऑन द डेबिट बैलेंस ऑफ 10 डेज. ये कस्टमर्स वो लोग रिकवर करने वाले. बिलीव मी गाइस, अगर मैं ये 47,000 को हटा दूँ ना तो, और सिर्फ बैंक के लिए मैं अकाउंटिंग करूँ, यू नो इफ आई डू द अकाउंटिंग ओनली फॉर द बैंक, बिलीव मी द होल कैलकुलेशन टर्न्स आउट इन सच अ मैनर दैट इवेंचुअली जो ये पैसे आपने कैलकुलेट किए थे ना यहाँ पे 66.84 माइनस 66.68 इंटू 50,000 कितना आया था? 8,000 रुपया. बैंक पता है आपको अल्टीमेटली 8,000 रुपया कमाता है और साथ में वो जो ब्याज है डेबिट बैलेंस पे उतना कमाता है. मतलब वो अपना 8,000 रुपया कस्टमर से जो उसने ऑलरेडी बुक किया था वो तो ले ही लेता है, ओके. दैट यू हैव टू रियलाइज. सो द ऑल द कैलकुलेशंस और ऑल द ऑफसेटिंग पोजीशंस दैट द बैंक क्रिएट्स इट टुवर्ड्स अर्निंग दैट 8,000 अगर आप बैंक के अकाउंटिंग जाके देखोगे तो.
एंड उसके अलावा कस्टमर से जो वो पैसे लेता है वो कैंसिलेशन के लेता है, बट बैंक अपने 8,000 रुपए इस पूरी कैलकुलेशन में कहीं भी जाने नहीं देता. यू हैव टू रियलाइज दैट ओनली. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट बैंक कस्टमर से लेगा कैंसिलेशन लॉस नंबर वन, बिकॉज उसकी वजह से उसको ये करना पड़ा. ओके तो वो लॉस लेगा, प्लस वो जो लॉस था उसके ऊपर 10 दिन का ब्याज लेगा और स्वॉप लॉस लेगा, यू नो नॉट मोर देन दैट. ओके सो इफ यू आस्क मी कि मैम कैन यू सॉल्व दिस सम नाउ वन बाय वन, सो द क्वेश्चन इज नंबर वन, पॉइंट नंबर वन, दे आर आस्किंग टू कैलकुलेट द रेट, द रेट ऑफ कैंसलेशन, द रेट ऑफ कैंसलेशन फॉर कस्टमर, फॉर कस्टमर वुड बी रुपीज 65.9600 माइनस 0.10%. दैट गिव्स मी 65.96 माइनस 0.1%, दैट गिव्स यू रुपीज 65.8940. ओके दे हैव राउंडेड ऑफ, सो आई एम इग्नोरिंग दैट राउंडिंग ऑफ, आई एम डूइंग डायरेक्टली ओनली. ओके नाउ दिस इज द रेट एट विच द कस्टमर विल कैंसल द हिज ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 66.84. नंबर टू, कैंसलेशन लॉस टू कस्टमर विल बी रुपीज 65.8940 माइनस रुपीज सेल प्राइस माइनस बाय प्राइस 66.8400 द होल इनटू $50,000. ओके एंड दिस विल बी माइनस 66.84 इनटू 50,000, दैट गिव्स मी रुपीज 47,298. नाउ द थर्ड पार्ट, स्वॉप लॉस. सो स्वॉप लॉस, यू नो व्हाट, जैसे ये स्वॉप लॉस, अगर आप, मैं बैंक के अकाउंटिंग देख रही थी तो मैंने देखा जैसे ये स्वॉप लॉस बैंक कस्टमर से रिकवर करता है, वैसे ही बैंक की सारी ऑफसेटिंग पोजीशंस इस तरह से मैच करती है दैट इवेंचुअली द बैंक अर्न्स 8,000 रुपीज. ओके सो दिस स्वॉप लॉस, दैट इज व्हाई इन एवरी क्वेश्चन ऑफ सच काइंड दे आर आस्किंग टू कैलकुलेट द स्वॉप लॉस. तो स्वॉप लॉस में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको सिर्फ ये देखना है कि सेल स्पॉट बाय फॉरवर्ड अगर इंपोर्टर का सम हुआ तो, और अगर एक्सपोर्टर का होगा तो बाय स्पॉट एंड सेल फॉरवर्ड उल्टा हो जाएगा. और आपको याद रखने के लिए मैं इजी कर देती हूँ कि अगर कस्टमर नहीं आया तो जो करेंसी बैंक ने दूसरे बैंक से ली थी वो सल्टाना पड़ेगा मार्केट में तुरंत का तुरंत, बिकॉज मार्केट अगर वॉलेटाइल हो गया तो बैंक को बहुत लॉस हो जाएगा. तो जो करेंसी मैंने कस्टमर के लिए ली थी, कस्टमर आया नहीं तो मैंने वो मार्केट में स्पॉट में सेल कर दिया, लेकिन क्योंकि कस्टमर बाद में आ सकता है इसके लिए मैंने उसी मंथ की मैच्योरिटी का एक फॉरवर्ड बाय कर लिया कि अगर वो बाद में आया उस फॉरवर्ड से बाय करके कस्टमर को अपन डिलीवरी कर देंगे. दैट्स हाउ इट वर्क्स. दैट विल बी इक्वल टू, यू नो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन द डायग्राम, एंड दैट इज 66.15 पर डॉलर माइनस रुपीज 66.32 पर डॉलर the whole into $50,000. So that will give me 66.15 minus 66.32 the whole into 50,000, that gives me rupees 8500. ये loss customer को देना पड़ेगा. Okay? Now number 4, interest on outlay of funds. कौन सा outlay? ये वाला. तो दिस वन बेसिकली 66.68 पे बाय किया और 66.15 पे बेचा, तो मेरे को ये लॉस 26,500 का लॉस 10 दिन तक कैरी फॉरवर्ड करना पड़ा. ओके तो 66.15 लॉस वाज 66.15 पर डॉलर माइनस रुपीज 66
$6.68 per dollar, the whole into $50,000. ओके तो दिस विल बी, आप ध्यान रखना ये पैसे जो लॉस आ रहा है ये बैंक नहीं लेगा, बिकॉज एनी विच वेज बैंक कस्टमर से ये अमाउंट जो कि बहुत बड़ा अमाउंट ले रहा है ऑलरेडी. ओके सो 66.15 माइनस 66.68 इंटू 50,000 विल गिव मी माइनस रुपीज 26,500. ओके सो इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स will be 26,500 into, I think the rate is given, 12% per annum into 10 days by 365. So I think we will get here 26,500 into 12% into 10 divided by 365. So we get rupees 87 roughly. Okay, now total charges on cancellation, total charges on cancellation will be, number one, cancellation charges aap dekho wahan pe ek amount aapne calculate kiya tha, and 47,298 rupees, 47,298 ye customer se recover karega. Number two, swap loss bhi apan lenge. तो स्वॉप लॉस कितने का है? 8,500 का है, 8,500 का स्वॉप लॉस है. एंड नंबर थ्री, इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स, दैट वाज रुपीज 87. सो 47,298 प्लस 8,500 प्लस 87, आई गेट रुपीज 55,885. This is the amount that the customer has to pay to the bank to get relieved actually. Okay? Now, एक बात आप ध्यान करो, अगर customer execute the contract, मतलब अगर बोलता है नहीं मेरे को delivery चाहिए $50,000 की, तो पहले तो ये सारे calculations करेंगे अपन, और पहले जो पुराना contract था उसको पहले पूरा रफा दफा करना पड़ेगा, और उसको रफा दफा करने के लिए customer को 55,885 रुपीस बैंक को देना पड़ेगा. तो ये तो एक पार्ट हो गया, अब पूरी स्टोरी ओवर हो चुकी है पुरानी वाली, ऑल थिंग्स हैव बीन क्लीन्ड अप नाउ. लेकिन ऑन 20th of September रेट चल रही है 65.99 की, तो व्हाट द कस्टमर कैन डू, ही कैन बाय $50,000 एट द रेट ऑफ 65.99 प्लस 0.1%. तो बेसिकली क्या हो जाएंगे चार्जेस, आप अगर एग्जीक्यूट करते हो तो आपके बी टोटल चार्जेस ऑन एग्जीक्यूशन विल बी कैंसलेशन चार्जेस दैट इज इक्वल टू रुपीज 55,885 ये होगा, एंड प्लस परचेज कॉस्ट विल बी रुपीज 65.99 प्लस 0.10% द होल इनटू $50,000. बैंक बोलेगा जो आज की करंट रेट चल रही है आप उसके ऊपर में करेंसी बाय कर सकते हो. तो हियर 65.99 प्लस 0.10% द होल इनटू 50,000 विल गिव यू व्हाट, रुपीज 33,027.99.5. So we'll add this amount to 55,885. I get here rupees 335,8684.5. That means if you execute the contract, आपको पुराना पहले पूरा क्लीन करना पड़ेगा. आप बैंक को 55,885 दे दो, बैंक विल अलाउ यू टू बाय एट द फ्रेश रेट. अगर आप एक्सटेंड करते हो, देखो लिखा हुआ है समय, इफ इट इज एक्सटेंडेड टिल 10th of November तब क्या होगा. तो अगर 10th ऑफ नवंबर तक अगर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता है तो क्या होगा आपको गाइज, नवंबर एंड का, यू नो काइंड ऑफ नवंबर एंड का आपको एक नया मतलब कैंसलेशन करेंगे 55,885 दे दो आप आज के आज, और उसके बाद आप एक नया फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट आप बुक कर सकते हो, एंड दैट द रेट विल बी 66.49 प्लस
plus 0.10%, that gives me 66.5565. वो रेट पे ब्लॉक हो जाएगा आपका. तो वो तो जब आपका मेच्योरिटी डेट आएगी तभी आपको पता चलेगा कि आपने ऑनर किया और आपने पूरी पेमेंट करी. बट अभी आज आपको 55885 कैंसलेशन के चार्जेस देने पड़ेंगे. तो सी, टोटल चार्जेस ऑन एक्सटेंशन. तो अगेन कैंसलेशन चार्जेस विल बी रुपीज 55885 एंड न्यू फॉरवर्ड रेट विल बी रुपीज 66.49 एंड प्लस 0.10%, दैट गिव्स मी इक्वल टू रुपीज 66.5565 पर डॉलर. दिस इज योर आंसर फॉर दिस सम एक्चुअली. तो आपको सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है गाइस. यू नो व्हाट, बिकॉज ऑफ टाइम कंस्टेंट, पॉसिबली अगर मुझे समय उतना अपने पास अवेलेबल होता आपके एग्जाम को, तो मैं आपको पूरा डिटेलिंग एंट्रीज दिखाती कि कैसे पूरी पैसे की मूवमेंट हो रही है, सो दैट कि आपको एग्जैक्टली समझ में आता. बट सिंस द टाइम इज लेस, व्हाट आई वुड सजेस्ट यू कि आप दो पॉइंट पे फोकस कर लो. आपको कोई भी तरह का इस तरह का सम आएगा तो आपको दो चीज़ उसमें जाननी पड़ेगी. नंबर वन, एक तो स्वाप का लॉस या गेन कैलकुलेट करना. अगर स्वाप का लॉस होता है तो बैंक कस्टमर से रिकवर करेगी, और अगर स्वाप का गेन होता है तो बैंक कस्टमर को पैसे देगी. ओके, बट अगर मैच्योरिटी डेट के बाद होता है तो ये डिपेंड करता है बैंक के ऊपर भी कि वो जो भी गेन हो रहा है वो पास ऑन करेगी कि नहीं करेगी. बट सम्स में अगर गेन हो तो आप पास ऑन कराओ. ओके, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स. तो आपको उसके लिए मैं आपको दो चीज़ें बता देती हूँ विच यू कैन होल्ड ऑन इन ऑर्डर टू डू दीज कैटेगरी ऑफ सम्स, ऑल ऑफ देम ऑलमोस्ट. तो इसमें आपको मैं क्या बोलती हूँ कि ये जो होता है ना, ये वाला जो पार्ट होता है इस पे आएगा आपका ब्याज. बिकॉज ये जो बैंक ने कैंसिल किया ना, कस्टमर नहीं आने, वो बैंक ने रिकवर कर लिया कस्टमर से. और स्वॉप लॉस होता है उस दिन जो दो ट्रांजैक्शंस होते हैं, बाय स्पॉट सेल फॉरवर्ड या सेल स्पॉट एंड बाय फॉरवर्ड, वो स्वॉप लॉस आपको कैलकुलेट करना पड़े. ये दो चीज़ें आप ध्यान में रखो, रेस्ट ऑफ देम विल बी मैनेजेबल विथ यू. ओके, इफ यू हैव अ डाउट यू कैन डेफिनेटली आस्क मी. थैंक यू सो मच.